हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ मस्त। आज जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट में कुछ काम है, दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। फिर ज़्यादा हो रही है बाहर, दिखाते हैं आप लोगों को। दिखाओ गर्मी कितनी हो रही है यार, ऐसी गर्मी में जाना पड़ा। देखो कितनी धूप लगी हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलते हैं मार्केट, आप लोगों को दिखाते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, हम चढ़ गए अपनी बाइक की सवारी में। अब चलते हैं मार्केट की ओर। यार गाड़ी में तो हवा ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो तो भरते हैं इसको, फिर चलते हैं। गाइस धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और जब छाया लग रही है, पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सुकून सा महसूस हो रहा है, क्योंकि छाया लग रही है, ठंडा लग रहा है। और नहीं तो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। किसके यहाँ? टांडा, टांडा कॉलोनी। तेरे को कैसे पता? चल ठीक है, चलो शादी चलता हूँ। खैर छोटे छोटे पौधे हो गए कटने के। तो चलते हैं लेफ्ट की ओर, तीरे से क्रॉस करते हैं। रेलवे फाटक लगा हुआ है, काफ़ी गर्मी है, तो हम गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं तीरे से साइड में। तो रेलवे फाटक खुल गया है, तो चलते हैं और मशीन को रिपेयर कर लेते हैं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है मशीन में, बनता है या नहीं बनता है, जो भी है। चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। और ये है टांडा कॉलोनी का रेलवे फाटक, वो ट्रेन जा रही है। और ये देखो यहाँ का मॉल कुछ ऐसा है। ये गाइज हम पहुँच गए हैं यहाँ लोकल में, और इस भाई ने बता दिया इधर है करके। तो चलते हैं इस घर की ओर। और ये घर में ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई यहाँ पर रिपेयर वाला रहता है। देखो दो तीन बाइकें खड़ी हैं, और तो हम भी यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं आगे की ओर घर के अंदर। तो मशीन वशीन बनाते हैं। ये देखो लग ही नहीं रहा, शॉप है यहाँ करके, और ये घर पर अपना काम चला रहे हैं इन्होंने। काफ़ी अच्छा चल रहा है जोरों शोरों से। गाइज हम पहुँच गए हैं अंदर, और ये लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया। मेरे हेलमेट पे कैमरा लगा हुआ है, तो इसलिए सब लोग चौंक रहे हैं कि कौन आ गया कौन नहीं। तो ये देखो कैसे चौंक रहे हैं सब लोग। मशीन बनाना भैया हमको भी। वीडियो बनाते हो आप? वीडियो? यस सर, यस सर। ये 10 रुपए का है यार। वो ठेकेदार साहब है क्यों? ये देखो काफी फन कर रहे हैं यहाँ, और ये शायद है वो दरवाला ठेकेदार है, और ये जो है ये उसके काम करने वाले कर्मचारी हैं। तो काफी मस्ती कर रहे हैं इधर। ये मशीन बनाने आए हैं, जो लकड़ी काटने वाली मशीन होती है वो बनाने आए हैं। हाय दोस्तों, फैमिली कटान करने जा रहे हैं। एक आदमी का कटान करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। वो हमारा ठेकेदार है, कटान करता। तो मेरी मशीन का काम भी शुरू हो गया। ये है दवाई छींटने वाली मशीन, तो ये रिपेयर होनी है। तो भैया रिपेयर कर रहे हैं, देखते हैं कितने समय में करते हैं। काफी टाइम लग जाएगा शायद, क्योंकि काफी चीज खराब है। तो देखते हैं क्या क्या रिपेयर करते हैं। चलते हैं, हमारा हेलमेट और बैग उधर पड़ा हुआ है, तो चलते हैं। गाइज हमारा काम हो गया है और यहाँ मशीन बन गई है। तो ये है हमारी मशीन, अब पूरी ओके हो गई है। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। अब दिखाते हैं आप लोगों को आगे का। आगे एक और काम है, बाइक का टायर भी डालना है। टायर भी काफ़ी ख़राब हो गया है, रिस्क है, काफ़ी पंचर होने वाली संभावना बनी रहती है। तो चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं आप लोगों को। भैया मजोला में देखो ऑडी है, और ये ऑडी देखो कैसे एक दूसरे पे, देखो ये महिंद्रा की बुलोरो और ऑडी देखो कैसे रास्ता रोक के खड़े हो गए हैं, जैसे कि इनका पता नहीं रोड है, बिल्कुल दादागिरी दिखा रहे हैं। तो चलते हैं हम भी, अपना काम करते हैं, ये तो करते रहेंगे ऐसा। स्टैंडर्ड बाइक का टायर बुलेट दे दे, देख लो आगे लगा हुआ यार। भाई साहब गए हैं टायर का नंबर देखने, और नंबर देख के आ गए। आप बोल रहे हैं कि टायर मिल जाएगा, तो देखते हैं टायर मिलता है कि नहीं मिलता है।
तो अभी ढूंढने के लिए अंदर घुस गए हैं और बने हुए हैं ढूंढने में। टायर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर काफ़ी घिस गया है तो चलने लायक नहीं है, कभी भी पंचर हो सकता है। तो वहाँ से आदेश आ गया है कि नहीं है टायर, तो चलते हैं अभी। हेलो गाइस, अभी मार्केट से आया, हाथ मुँह धोया और खाना ना खा लिया, दाल और चावल बना था काफ़ी मस्त, तो खाना ना खा लिया, थोड़ा रेस्ट करते फिर दिखाते हैं आप लोगों को। अभी कुछ नया दिखाएंगे, अभी कहीं जाने वाला हूँ तो दिखाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, अब काफ़ी थक गया हूँ आधा घंटा। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता, दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी हम जा रहे थे घूमने के लिए, तो यहाँ आए दीपू भाई और वो आगे जो देखो हमारे यहाँ के खसारी जा रहे हैं, और ये हमारे चामू भाई बड़े भाई, तो परवीन भाई के बड़े भाई, तो हमारे मित्र के बड़े भाई, मतलब हमारे भी बड़े भाई। तुम्हारा आवाज नहीं आई, हमारे दीपू भाई नरिया भाई, हम आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये हम जा रहे हैं घूमने के लिए, हमको भी खुद पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो पंजा लड़ा रहे हैं, देखो आजकल कापड़ी छुट्टी मल रहे हैं। गाइज हम जा रहे हैं चूका की ओर, वहाँ है टावर और वहाँ नदी भी है, तो वहाँ की ओर चलते हैं। और ये देखो झाड़ियाँ कितनी मस्त हैं, और ये आगे पेड़, काफी मस्त पेड़ है, देखो कितना। लकड़ी टूट जाती मेरे सर से, बहुत मजबूत है। गाइज हम पास गए हैं टावर के पास, हमारे राइट साइड में टावर दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये नाली खुदी है, इसके अंदर टाइगर छोड़ने वाले हैं शायद। चूका पास गए, नमी ज्यादा है। गाइज हम हो गए हैं पार, हमने कर दिया बॉर्डर पार, और ये है हमारा टावर, देखो कितना अच्छा है, और चलते हैं इस पे, हमारे चामू भाई पहुंच गए आगे। देखो कितना मस्त है, ये टाइगर देखने के लिए बनाया भाई यहाँ पे, इसमें टाइगर ज़्यादा छोड़ेंगे देखना ये, और पानी के लिए भी व्यवस्था बना रखी देख, और टाइगर इसके अंदर ना आकर के नाली भी बना रहे हैं, देखो ना चारों ओर से देख। राइट यहाँ से देखो ऐसा व्यू है, वो है हमारी बाइक, और फिर और ऊपर चलते हैं। ये यूपी होगा, यूपी, ये देखो हमारे चामुंडा हमारे कितने मस्त होके बैठे पड़े हैं सीट में, फुल लुफ्त उठा रहे हैं। इसमें दो तालाब बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं, और ये है झोपड़ा, अंदर से पन्नी डाल ले कि पानी ना टपके कभी, और सीट बना रखे हैं बैठने के लिए। हेलो गाइज, अभी जा रहे हैं हम नीचे की ओर, और यहाँ घूम के काफ़ी मज़े कर लिए हमने, और इस टावर के ऊपर यहाँ से ओवरव्यू पूरा देखो कितना प्यारा नज़र आ रहा है, तो काफ़ी मज़ा आया इधर, और ये पूरा कार्डबोर्ड का बना हुआ है, तो इस जगह पे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आनंद उठाया हमने, काफ़ी आधा एक घंटा काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और ये देखो इस टाइप से बना रखा है इन लोगों ने, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमको, तो काफ़ी मज़ा आया, आप लोगों को देख के मज़ा आया नहीं आया आप लोग बताना। तो चलते हैं नीचे की ओर, नई लोकेशन पे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो ओके बाय बाय, वो देखो हमारे भाई लोग वहाँ पहुँच गए हैं। गाइज अब हम चलते हैं, और ये है टावर, तो हमने यहाँ से अलविदा ले ली है, और ये हमारे भाई लोग आगे आगे चल रहे हैं, इस साइड में हमारे चामू भाई और उस साइड में हमारे दीपू भाई, गाड़ी हमारी नाली के पार है, तो चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यहाँ देखो भैंस स्नान कर रही है, और कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का, देखो कितनी चौड़ी नदी है। हेलो गाइस, जानवर देखो नहा के आ गए हैं, अरे ये डर गए, देखो गाड़ी की आवाज़ से डर गए हैं काफ़ी,
तो दौड़ने लग गए, तो आप साइड से निकाल देते हैं गाड़ी को। यहाँ है वो जो सब्जी तू बोल रहा है ना? हाँ लोड़ी दे रहा। हाँ यहीं मिलती। गाइस ये देखो हम दूसरे टावर पर पहुंच गए हैं। ये है भारामल के साइड में पड़ता है टावर और यहीं पे नदी भी है और हम चल रहे हैं ऊपर की ओर। ये शायद मेरे पहले पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज मार्गदर्शक के रूप में हमारे चामू भाई हैं। आज दिन भर हम काफी घूम लिए हैं और काफी थक भी गए हैं, तो आप पहुंच गए हैं ये भारामल वाले टावर पे। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। ये हमारे दीपू भाई, उनसे आगे चामू भाई और ये मच्छी मारने वाले। ये देखो जाल फेंक रहे हैं, ये देखो ऐसे फेंक रहे हैं। और ये हैं चामू भाई और दीपू भाई, तो अब ये मच्छी मारेंगे। देख रहे हैं कैमरा मेरे पास है, तो ये देखो ये दूसरा गए थे और हम हारे लॉलीपॉप। ये देखो गाइस ये दोनों यहाँ आ रहे हैं ब्रिज के नीचे। यहाँ थोड़ा गहरा है हल्का सा पानी, वैसे थोड़ा ही छोड़ा गया जितना आपको दिख रहा होगा। यहाँ थोड़ा गहरा होने की वजह से हम ना ले रहे हैं और ये मच्छी मार रहे हैं। ये देखो ऐसे जाल फेंकने के बाद नीचे हाथ से पकड़ पकड़ के देख रहे हैं जाल के अंदर मच्छी फंसी या नहीं फंसी। और ये देखो जो मच्छी फंसी है आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो अभी एक बार दिखाना, ये देखो तो ये मच्छी देखो इसके अंदर देखो पूरा खाली है, तो दिख नहीं रहा, फोकस नहीं हो रहा, नहीं तो आप लोगों को दिखा देता। इस टाइप की है ये मच्छी, तो इसको रख देते हैं बैग में। और ये देखो और सारी भी हैं, इतनी सारी मच्छियां हैं और को भी दिखाता हूँ आप लोगों को पकड़ के। ये देखो ये दूसरी मच्छी है दूसरी कंपनी की और ये शायद पता नहीं कहाँ से आती है, तो मुझे भी नहीं पता। एक और है दिखाता हूँ नीचे, ये देखो ये कुछ अलग है, सब अलग अलग वैरायटी की हैं। अब चलते हैं हम ऊपर क्योंकि हमने नहा लिया है और अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि टाइम काफ़ी ओवर हो गया है। सही है। और ये जो मच्छी मारी गई है ये वन विभाग की टीम की निगरानी में मच्छी मारी गई है, बंगाली लोग मारते हैं। और ये हमारे यहाँ के वन विभाग की टीम है, ये भी कुछ ले जाएंगे शायद खाने के लिए, तभी जाके ये रुके पड़े हैं यहाँ। आप लोगों की बहुत नॉइज करेगा। ये देखो इन लोगों को भी मिल जाएगा शाम का पकवान। अब हम चलते हैं यहाँ से निकलते, टाइम हो गया ओवर। अब हम पहुंच गए अंग्रेजों के टाइम के बिल्डिंग पे और ये है आगे बिल्डिंग। ऐसे तीन चार कोठियां हैं पर हम इसी में जाएंगे, इससे आगे वाले में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां को शेर हो सकता है, झाड़ी काफी है। तो अंदर का माहौल दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। ये देखो इनका डिजाइन जो है काफी अच्छा है, आजकल के हिसाब से भी काफी अच्छा है। टूट टाट गया है, पहले इसमें शीशे लगे हुए थे सब तोड़ दिए हैं यहाँ। तो ये देखो इस टाइप का है, यहाँ पर खिड़की हुआ करती थी और ये काफी टूट गया है, पुराने जमाने का है। और ये है अंग्रेजों के टाइम का आग सेकने वाला, इसमें आग सेकी जाती है और ये चिमनी बनी हुई है अंदर ही अंदर धुआं बाहर जाने के लिए। और यहाँ पर देखो छेद भी है अंदर, ये भाई बता रहे हैं, और यहाँ पे आग सेका करते थे। ये शायद उनकी बैठने वाला एक हॉल टाइप का होगा। ये देखो कैमरे में इस टाइप का दिखा रहे हैं, हाथ डालना बेकूफी है यहाँ, जो सांप आप भी हो सकते हैं, काफ़ी खंडर हो गया है। ये देखो इस टाइप के ईंट इनके काफ़ी बड़े थे, 5-5 kg की ईंट हैं कुछ ऐसी, बड़े बड़े साइज के। और इस टाइप का है देखो, और ये देखो नीचे ईंट पड़े भी हैं, काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी वेट भी है इनमें। गाइज आप लोगों ने देख दिया होगा ऐसे दो और हैं पीछे, मगर मैं दिखा नहीं सकता। और अब चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। ओके बाय।